गांव बूढ़ाखेड़ा के ग्रामीण एकत्रित होकर उकलाना थाना में पहुंचे और ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि गांव में नशे का कारोबार लगता और बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी उसकी चपेट में आती जा रही है। हालात ये बन गए हैं कि गांव बूढ़ाखेड़ा नशा सप्लायर का मुख्य अड्डा बन गया है और युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के साफ तौर पर गुहार लगाई कि साहब हमारे बच्चों को बचा लो, अगर आपने इस मामले में अब भी उचित कदम नहीं उठा तो हमें मजबूरन एसपी हिसार से मिलना होगा और उसके बाद अगर हमें आगे जाने की ज़रूरत पड़ी तो वहां तक भी पहुंचेंगे। ग्रामीणों ने तो साफ तौर पर यहां तक भी कहा कि अगर पुलिस प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करता है तो ग्रामीण गाँव में नशे का कारोबार करने वालों की सूची तक पुलिस को सौंप सकते हैं। लेकिन ग्रामीण अब ठान चुके हैं कि गांव में किसी भी स्तर पर नशे का कारोबार नहीं होने देंगे। भाई साहब, ये जो इकट्ठे लोग हो रहे हैं गांव बूढ़ाखेड़ा से है और काफी दिनों से नशेड़ी गांव के अंदर बाहर से आते हैं और माहौल खराब कर रखे है और कुछ दिनों से 10-15-20 दिनों से चोरियां होने लग रही है। जैसे कि समाज की मोटर है वहाँ कोई आदमी नहीं रहता, उठा लेते हैं। आज उसी मसले पर खास करके आ रहे हैं, भी थाना इंचार्ज से मिलना चाहते हैं, भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत लगाम लगाए और इन बातों पर गौर करें। और हम रोकने वास्ते आए एसओ मिलने वास्ते, ये इनाम मदद भी हम करांगे, उनका नाम भी बतावांगे, ये करेगा तो कुछ को कार्रवाई और ये नहीं करेगा तो फिर एसपी से मिलेंगे। मामला जी हमारे गांव के अंदर है, ये समेक और चिट्टा सबसे ज़्यादा बिक रहा है और बाहर से लोग आवे लेने वास्ते, और ये इस वास्ते ये गांव के अंदर इतनी चोरियां होने लग रही है कोई साफ नहीं। अच्छा, इब के मांग आपकी जी? हमारी मांग तो प्रशासन से है भाई इसको रोकथाम करो, नहीं फिर मैं आगे जावा।